तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको जब उसकी आगे से जो पॉइंटिंग एंगल होते हैं वो घिस जाते हैं तो उसको ग्राइंड कैसे किया जाता है। ये देखिए, जो हमारा ये ड्रिल है ये आगे से पूरा घिस चुका है। ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको जो ग्राइंडर होता है उस पर ग्राइंड कैसे किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले इसको धीरे धीरे जो हमारा ड्रिल होता है इसको गोलाई में घुमाना है ताकि जो हमारा एंगल है वो सेम उसी पोजीशन पर रहे। ये देखिए, धीरे धीरे करके जिस एंगल में हमारा ड्रिल पहले से ग्राइंड है उसी एंगल में हमने उसको धीरे धीरे करके घुमाना है हल्के हाथ से। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से घुमा रहे हैं हम इसे। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो उसका कटिंग एंगल है वो धीरे धीरे शार्प होता जा रहा है। इसका जो हमारा पॉइंटिंग एंगल है वो 118 डिग्री है, उसी एंगल पे हमने इसको दोबारा से ग्राइंड करना है। जब हमारा ड्रिल को हम यूज़ करते हैं तो जो उसके कटिंग एज होते हैं वो घिस जाते हैं। घिसने के बाद दोबारा उसे हम जो हमारा ग्राइंडर होता है उस पर हम दोबारा ग्राइंड करते हैं। ये जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है ये हमारा फाइन ग्राइंडिंग व्हील है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है हमारा ये। इस पर आपने इसको ड्रिल को हल्के हल्के हाथ से घुमाना है। ये देखिए, और जब तक इसका जो कटिंग एंगल है हमारा कटिंग एज है वो पूरा शार्प ना हो जाए, बाद में आप इसको एंगल गेज से मेज़र भी कर सकते हो कि जो हमारा 118 डिग्री का एंगल है वो पूरा उस पर ग्राइंड हो चुका है कि नहीं। ये देखिए किस तरह से हम अपने जो हमारा ड्रिल है उस पर हम धार लगाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पे आपको ग्राइंड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ग्लव्स नहीं पहनने हैं। ये देखिए, हमारा जो ड्रिल है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, देख सकते हैं आप इसको। तो इस तरह हम ड्रिल को, जब हमारे जो ड्रिल होता है जब उसके कटिंग एज घिस जाते हैं तो हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस तरह का जब भी आपने ग्राइंड करना हो टूल अपना ड्रिल तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरी ये लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।